आज जुम्मे की नमाज और प्रदर्शन की संभावनाओं को देखते हुए जिला प्रशासन ने पूरे शहर की सुरक्षा बेहद कड़ी की है। शहर व ग्रामीण इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। वही जिलाधिकारी अनुज कुमार झा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी पुलिस बल के साथ पैदल मार्च करते नजर आए और उन्होंने मस्जिदों के बाहर जमा लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। पैदल मार्च के साथ ड्रोन कैमरे से भीड़ भाड़ वाले इलाकों में नजर रखी गई। खास तौर पर मस्जिदों के बाहर आने जाने वाले लोगों पर विशेष नजर रखी गई। वहीं प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी सुरक्षा बलों के साथ सड़कों पर पैदल मार्च कर रहे हैं। शहर अयोध्या में चौक, घंटाघर, रिकाबगंज, फतेहगंज इलाके में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पुलिस प्रशासन के अधिकारी सुरक्षा बलों के साथ सड़कों पर मार्च कर रहे हैं। खासकर महत्वपूर्ण मस्जिदों के बाहर सुरक्षा बलों को तैनात किया गया। शहर के इंटेलिजेंस सक्रिय है। जुमे की नमाज के बाद किसी तरीके का कोई प्रदर्शन ना हो, इसको लेकर जिला प्रशासन व पुलिस विभाग ने खासी तैयारी कर रखी है। पुलिस विभाग और जिला प्रशासन लखनऊ के बिगड़े हालात को देखते हुए सुरक्षा में किसी तरीके की कोई कमी ना हो, इस पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। देखिए, अयोध्या में जैसे कि आपको विदित है कि जो हमारा 9 नवंबर का फैसला था, उसके पहले जो भी फंक्शन थे और 6 दिसंबर का भी जो था, बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ से शांति और सौहार्द का बहुत अच्छा मैसेज गया था। और अभी भी मैंने और डीएम साहब ने जो है मीटिंग्स ली हैं, विभिन्न धर्मगुरुओं की भी मीटिंग ली है, विभिन्न पार्टियों की मीटिंग ली है और सभी ने आश्वस्त किया, सभी मौलवी जितने भी हमारे हैं सभी ने ये आश्वस्त किया है कि यहाँ पर बहुत ही शांति व्यवस्था के साथ में एक शांति और सौहार्द का जो पैगाम लगातार यहाँ से जा रहा है, वो उस पैगाम को जाया जाएगा। और बाकी यहाँ पर जो पुलिस व्यवस्था है, वो पुलिस व्यवस्था पूरी लगी हुई है। लगभग 10 कंपनी के ऊपर PAC यहाँ पर जगह जगह पर डिप्लॉय की हुई है और हमारे जितने भी क्षेत्र हैं, रुदौली है, रौनाई है, पूरा करंदर है, भद्रसा है, सभी जगहों पर हमारे जो पुलिस की भी व्यवस्था है। तो जो माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि सुविधा भी रहे और सुरक्षा भी रहे, दोनों चीज़ें एक साथ रहे, तो ऐसा आप देख रहे हैं कि सभी जो है यहाँ पर नॉर्मल जीवन यापन जैसा है वो चल रहा है और जो नमाज वगैरह है वो भी चल रही है, तकरीरें भी हो रही हैं और यहाँ पर पुलिस अलर्ट भी है। दोनों ही चीज़ें हम लोग देख रहे हैं, लगातार स्थिति पर हम लोग नज़र बनाए हुए हैं। बाकी जैसा नॉर्मल जीवन यापन चल रहा है वैसे ही चल रहे हैं। ठीक है सर।